बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SS किचन वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, आपके लिए आसानियां पैदा करें, आप सबको सुकून दें और आप सबकी जो जो दिली मुरादें हैं वो पूरा करें। आज मैं आपको अपने किचन में बनाना सिखाऊंगी इंतहाई मज़ेदार कड़क चाय, जो कि बहुत ही आसान है और झटपट तैयार हो जाती है। और आपको वैसे भी पता है हमारी आवाम चाय की बहुत ही शौकीन है, तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 2 कप दूध, साथ है मेरे पास 2 सब्ज़ इलायची, सौंफ 1 चम्मच, एक हमारे पास है दालचीनी का टुकड़ा, पत्ती, 7 बादियान के फूल और चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और पत्ती है मेरे पास यहाँ पे 1 चम्मच। तो चलें जी, हम अपनी मज़ेदार कड़क चाय तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक सॉस पैन लेके उसमें ऐड कर देंगे 2 कप दूध। सेकेंडली हम इसमें ऐड करेंगे बादियान का फूल, 2 इलायची, 1/2 चम्मच सौंफ और साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा। और इसको अच्छे से अब हम पका लेंगे ताकि इन तमाम अज़ा की जो खुशबू है, फ्लेवर है, वो दूध में अच्छे से आ जाए। और यहाँ हमारा दूध उबलना शुरू हो चुका है, ये देखिए। एंड अब हम इसमें ऐड कर देंगे पत्ती। चीनी हम अभी ऐड नहीं करेंगे, चीनी बाद में ऐड करेंगे ताकि हमारा जो दूध का ये जो कलर आएगा पत्ती की वजह से चाय का, वो थोड़ा सा हमारा गाढ़ा भी हो जाए। और ये देखिए, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसको अब तब तक पकाएंगे जब तक कि ये 2 कप दूध 1 कप चाय नहीं रह जाती। और ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर आना शुरू हो चुका है। और इसको अच्छे से पका के अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। और ये देखिए जी, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। और हमने इसको इतना अच्छे तरीके से पकाया कि ये गाढ़ी हो गई। मुझे उम्मीद है आपको ये लाजमी पसंद आएगी, आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये किस तरीके से बनी है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप चैनल की कोई भी वीडियो मिस मत करें। इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अगर आप अपनी पसंद की कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इंशाल्लाह वो भी बना दूंगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।